नमस्कार, मैं हूं राजीव निशाना। आज हम बात करेंगे ईवीएम मशीन के बारे में। कई लोग आरोप लगा रहे हैं, यहां तक कि कई बड़े बड़े नेता भी आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम मशीन में धांधलेबाजी हुई है। हम आज इंजीनियर बीएल गुप्ता जी से बात करते हैं। गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हम जानना चाहेंगे, काफी लोग जो है वो आरोप लगा रहे हैं, यहां तक के बड़े बड़े नेता, कि ईवीएम मशीन में जो है धांधलेबाजी हुई है, गड़बड़ी हुई है, और आप इंजीनियर हैं ईवीएम मशीन के, तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं तो इस बारे में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो इस तरह की बातें कर रहे हैं वो कम से कम इस बात को सोचें कि अगर ऐसा होता और कोई कर सकता था तो प्रशासनिक अधिकारी करता, और प्रशासनिक अधिकारी किसके अंडर होता है? उस सरकार के अंडर होता है जिसकी सरकार चल रही होती है, पहली बात। लेकिन ऐसा कोई संभव नहीं है। मैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का एक इंजीनियर रहा हूं और ईवीएम से पिछले करीब 20 साल से जुड़ा हुआ हूं। जिस प्रक्रिया के दौरान हमारी मशीनें गुजरती हैं, पहले एक डेढ़ महीने पहले इनकी एफएलसी की जाती है। एफएलसी का मतलब फर्स्ट लेवल चेकिंग। हमारे इंजीनियर्स जाते हैं और उन मशीनों को प्रॉपरली चेक करते हैं। अगर मशीनों में कहीं कुछ गड़बड़ी होती है तो उनको अलग कर देते हैं और अच्छी मशीनों को रखते हैं जो बोटिंग में कहीं हमें दिक्कत ना दे। उसके बाद में इसकी प्रिपरेशन की जाती है इलेक्शन से एक हफ्ते पहले। उसके भी कई तरीके हैं। ये जो कैंडिडेट्स होते हैं, जितने कैंडिडेट्स होते हैं उनके हिसाब से मशीन को सेट किया जाता है। उनके एजेंट्स को बुलाया जाता है, उनके एजेंट्स के सामने उनकी मॉक पोल कराए जाते हैं। 1-1 हजार वोट डलवा करके 10% मशीनों का मॉक पोल किया जाता है, और मॉक पोलिंग के बाद भी जिस दिन पोलिंग होती है उस दिन भी मॉक पोल कराया जाता है उन एजेंट्स के सामने। उनको सारा कुछ क्लियर दिखा करके जीरो करके फिर उसके बाद पोलिंग की जाती है। मॉक पोल प्रक्रिया क्या है? जो कैंडिडेट्स होते हैं उनसे कहा जाता है कि भाई अपने अपने वोट डालिए, कम से कम 50 वोट डालने होते हैं। 50 वोट की प्रक्रिया में जो कैंडिडेट मान लीजिए 10 हैं तो 5-5 वोट 10 कैंडिडेट डालेंगे। इस तरह 50 वोट डाल दिए, फिर उनका रिजल्ट खोल के दिखाया जाता है कि भाई आपके 5-5 वोट पड़े हुए हैं। जब क्लियर हो जाता है उसको फिर मशीन को क्लियर किया जाता है, उनके सामने फिर दिखाया जाता है इस मशीन के अंदर बिल्कुल जीरो हो गया है, तब उनको उनके सामने सील किया जाता है। सील करके फिर उनके सिग्नेचर लिए जाते हैं। ये सब लंबी प्रक्रिया के बाद ही पोलिंग के लिए बाहर से पब्लिक को बुलाया जाता है। वहां भी एजेंट्स बैठे होते हैं, उनके सामने होता है सारा काम। तो पहली बात तो ये है कि ये आरोप बिल्कुल निराधार है। लेकिन आज देख रहे हैं आप, काफी एक वायरल हो रहा है वीडियो कि जिसके अंदर एक कंप्यूटर बैठा हुआ शख्स जो है वो कुछ क्लिक करता है और कहता है कि इसमें गड़बड़ी है। मुझे बड़ी हंसी आती है ये देखकर कि जो कंप्यूटर पे कर रहा है, कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर है, वो कुछ भी बना के डाल दे। बहुत दुनिया भर के वायरल हो रहे हैं, लेकिन मैं चैलेंज कर रहा हूं, गारंटी के साथ कह रहा हूं, मैं 20 साल से इन मशीनों से जुड़ा हुआ हूं। अगर वो आकर के इन मशीन पर कुछ करके दिखा दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा जिंदगी भर के लिए। ये बहुत बड़ी बात, इतनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं। नहीं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। बिल्कुल मैं इतनी बड़ी बात कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं। ऐसा कैसे कह रहे हैं आप, इतने बड़े दावे जो कर रहे हैं? इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि हम इस प्रक्रिया से गुजरते हैं। कम से कम भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित मशीनों की मैं बात कर रहा हूं, जिन मशीनों को मैं डील करता रहा हूं, पिछले 20 साल से काम करता रहा हूं, इन मशीनों पर काम कर रहा हूं, और किस तरह से इन किन प्रक्रियाओं के जरिए गुजरती है मशीन। वहां आकर के अगर उन मशीनों में से किसी भी मशीन पर कोई करके दिखा दे, मैं उसका गुलाम बन जाऊंगा, मैं कहता हूं दावे से। ये थे बीएल गुप्ता जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि किसी भी ईवीएम मशीन में कोई धांधलेबाजी नहीं हो सकती, उसके लिए तो चैलेंज करने के लिए भी तैयार है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा निर्मित मशीन की, बिल्कुल भारत बीएचईएल है, बीएल की मशीन जो है निर्मित है, उनमें कोई गड़बड़ी नहीं हो सकती, ये तो चैलेंज की बात आ रही है। क्योंकि मैं उनको करता हूं, लेकिन जो लोग आरोप लगा रहे हैं और उनको भी समझना चाहिए कि क्या सॉफ्टवेयर गड़बड़ी कर सकता है और मशीन नहीं, ये साफ तौर से बीएल गुप्ता जी का कहना है। आर निशाना, समाचार वार्ता, साहिबाबाद।